छोटे छोटे बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं भाई मेरे बगल में? तो इनके पीछे जो पर्वत है वो क्लास पर्वत है। क्लास ये दिख रहा है पूरा दिल्ली दिख रहा है यहाँ से। पहुँच गया मैं एट लास्ट। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग। मैं पहुंच चुका था लेकिन रात को भरमौर और आज मैं रेडी हूं टेंपल जाने के लिए। मैं जा रहा हूं एक ऐसे टेंपल जो कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में एक ही है। चलते हैं गाइस। भरमौर के पहाड़ सो सो कैसे दिखते हैं। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 6:04। हवा चल रही है बहुत तेज। होम स्टे से बाहर निकलते ही बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ का तापमान अभी 11 डिग्री सेल्सियस है। चाय पीते हैं फिर चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। सो गाइस मैं जा रहा हूँ 84 टेंपल और यहाँ पे धर्मराज जी का एक ही टेंपल है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। यहाँ से पास में ही है भरमौर की जो है मणिमहेश यात्रा भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ कोई एक विलेज आके हटसर के विलेज है, वहाँ से वो 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो मणिमहेश की जो यात्रा होती है वो अगस्त सितंबर के मंथ में होती है, बाकी वो बंद हो जाता है ट्रैक। ऊपर मणिमहेश लेक, वहाँ पे शिव भगवान जी का पूजा करते हैं पब्लिक जाकर और दर्शन करते हैं। शाम को 7:45 के आसपास पहुँच गया था भरमौर। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ 84 टेंपल मंदिर कॉम्प्लेक्स में। गाइस मेरे पीछे जो है ये है धर्मराज जी का मंदिर और पूरे इंडिया में एक ही है। सो मैंने अंदर से आपको दिखाया और इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में 84 टेंपल्स और हैं। सो देखते हैं, सभी को देखते हैं। चंबा के भरमौर के केंद्र में स्थित है और लगभग 1400 साल पुराना है ये मंदिर। और इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में 84 टेंपल्स है इसलिए इसका नाम 84 मंदिर रखा है। 84 मंदिर का निर्माण जो भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने 84 योगी थे उनके सम्मान में करवाया था, जो कि कुरुक्षेत्र से यहाँ आए थे, यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ के मणिमहेश क्लास पर्वत के दर्शन के लिए गए थे। कहते हैं कि मणिमहेश झील की जो तीर्थ यात्रा है इन मंदिरों की पूजा और दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती है। सो गाइस मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं वापस होटल में आ गया था और अभी अपना हो गया सामान पैक और अब मैं जा रहा हूँ चंबा के कुफ्ती विलेज जो कि लास्ट विलेज है चंबा का, उसके बाद लाल स्वीति स्टार्ट हो जाता है। चलो गाइस चलते हैं। चलो भाई आज के एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है कुफ्ती और 10:26 का मेरा ATA है वहाँ का। यहाँ से राइट है तो ये गेट है कुफ्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और लिखा है कि होम ऑफ ब्राउन बेयर भी है, स्नो लेपर्ड का भी है। अभी चलो आगे चलते हैं। यहाँ से कुफ्ती विलेज है 9.5 किलोमीटर।
चलो जी। एक तरफ पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ रिवर, अद्भुत। रोड थोड़ा सा रफ, कुगती 9 किलोमीटर है शायद यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं भाई मेरे बगल में? जब से मैं चला हूँ मेरे को एक गाड़ी भी नहीं दिखी है, कोई गाड़ी आ रही है पीछे से आगे से, कोई नहीं मिला मेरे को। मिले हैं सिर्फ पहाड़, झरने, नदी और भेड़ बकरियाँ, यही मिले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। पहुँच गए इधर हम। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ कुगती बिल्ली। यहाँ के सारे जो मकान हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, लकड़ी और पत्थर के। ये देखिए मंदिर जाने का रास्ता यही है जी। ओके जी, ये देखो भाई ये है, पहाड़ों से आ रही है, ऊपर पहाड़ों से आती है नदी। किसी से पूछना पड़ेगा मंदिर कहाँ है इधर। भाई मंदिर का रास्ता ये है, यहाँ से जाना है मंदिर। ये दिख रहा है कुगती विलेज, यहाँ से पूरा बिल्ली दिख रहा है यहाँ से। ये है लास्ट विलेज चंबा का, और यहाँ से मंदिर कितना दूर है नहीं पता, पर चलो चलते हैं। ये देखो भाई साहब, यहाँ की गाय कुछ अलग से ही है। हमारे वहाँ जो होते हैं ना बैल और गाय, उनकी पूंछ इतनी मोटी नहीं होती। यहाँ से ना सामने वाला पहाड़ पूरा दिखने लगा अभी, जैसे जैसे मैं चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुँचा हूँ। अप्रोक्स टू आज की चढ़ाई के बाद ना ये दुकान दिखी है मुझे इधर, ना कोई इंसान कुछ नहीं दिखा इधर। पहाड़ियाँ, वीरान पहाड़ियाँ हैं, पेड़ के साथ बहुत सारे कपड़े बांध रखे हैं इधर देखो। दो सुंदर चोटियां और दिखी हैं इधर से, बर्फ से ढकी दो सुंदर चोटियां। मंदिर दरान से विजिबल है ऊपर जाके, मंदिर विजिबल तो हुआ इतनी देर से, 2-2.5 घंटे से पता नहीं चल रहा था। लकड़ी का पुल छोटा सा, लिखा है लास्ट पर्वत। यहाँ इनका फेस अब इस डायरेक्शन में है, तो शायद यही कैलाश पर्वत है। जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक जाता जा रहा हूँ, जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी हो गई है, अब यहाँ से पता चल सकता है। ओ पीछे से रास्ता है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे से आ रहा है, चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहा हूँ मैं। शायद 800 मीटर होगा मंदिर। सो गाइस 2.5-3 घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुका हूं कार्तिक स्वामी जी के टेंपल के गेट पे। सो ये है गेट, पहुंच गया मैं एट लास्ट। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो गई। सो गाइस ये है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर। कार्तिक स्वामी जी जो हैं शिव भगवान जी के बेटे हैं। Thank you.
ये है मोर, इस बारी मोर है। सो गाइस कर लिए हमने कार्तिक भगवान जी के दर्शन और अंदर से मैंने आपको दिखाया है और ऊपर जो है शिव शक्ति माँ जी का टेम्पल है, तो ले जाके आता हूँ वहाँ पर भी। सो लो जी पहुँच गए माता शिव शक्ति जी के द्वार पे। गाइस अभी मैं हूँ माता शिव शक्ति जी के मंदिर में जो कि शिव भगवान जी की पुत्री है। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। और मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के जो पुजारी जी हैं। सर आपका नाम क्या है? गोवर्धन। मंदिर के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा? जी स्वामी का मंदिर ऊपर है, इस टाइम लाहौर से आया ना वहाँ पर बास की ऊपर, उसके बाद फिर कैसे पब्लिक जाती थी, फिर वहाँ पर पहुँच नहीं आ जाता, फिर वहाँ पर जो जैसे चेला को मना काम नहीं की, फिर नीचे आ जाओ थोड़ा, फिर वहाँ से नीचे आ गए कार्तिक स्वामी के मंदिर को, नीचे आ गए वहाँ पर जैसे चावल की रोटी होती है वो वाली, फिर जो देवता जो खिलाया ना नचा खेला खेल पाई, तो उसने बोला भैया छोड़ दो वहाँ पर, जहाँ पर खड़े जाएंगी वहाँ पर मंदिर दे देना मेरे, इस जगह में खड़ा खड़ी हो गई जो जो चोटी चावल की, फिर और पानी भी निकल गया तो चोटी भी खड़ी हो गई, चावल में कोई दाना नहीं पड़ा, सब बीच में रह गए, फिर यहाँ पर मंदिर दिया। ये जो ऊपर पहाड़ी जो है ना वहाँ पे माता जी का मंदिर है, त्रिशूल छोड़ा, यहाँ मेरा त्रिशूल खड़ा जाएगा वहाँ पर मेरे को मंदिर दे, फिर यहाँ पर पूजा के लिए मंदिर दिया, मंदिर दिया पूजा के लिए। स्थान जो है जो ऊपरी है ये माता का भी उधर ही है, कार्तिक स्वामी का भी ऊपरी, कार्तिक स्वामी जी का इधर ऊपर है, वहाँ तक पब्लिक पहुँच नहीं पाती थी। जो पुजारी जी थे उन्होंने की थी मनोकामना, तो स्वामी जी की जो कृपा थी, जो भी उन्होंने प्रोसीजर था कि वो चोल वाले वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने बोला कि जो चोल का जो पात्र है, हमारे वहाँ चुरोटी बोलते हैं उसको, चुरोटी को उन्होंने लड़काया पहाड़ी से और वो नीचे आके रुकी, तो वहाँ पे फिर वो मंदिर स्थापित किया। ये जो स्थान जो है पहाड़ी पे ना, यहाँ पे हर कोई नहीं जा पाता है ना, झंडा चढ़ाने के लिए जाते हैं, झंडा चढ़ाने के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते कोई भी, वो पुजारी लोग जाते हैं। अच्छा, जो इनके पीछे जो पर्वत है वो कैलाश पर्वत है? कैलाश पर्वत। हाँ जी, शिव भोलेनाथ जी यहीं बास करते थे। हाँ, बास करते थे। और मणि महेश का जो परिक्रमा जो होती है वो इसके नीचे से ही होती है। हाँ, नीचे से। और ये जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं कौन से पहाड़ है? लाहौल स्पीति आ गया। अच्छा, यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है? पैदल जाते हैं, भेड़ बकरी जाती है, वो यात्री आते हैं बहुत जाते हैं। अच्छा, जब वापस जाने का टाइम है, बिकॉज अभी ज़्यादा देर रुक नहीं सकता मैं, बड़ा दूर जाना है आज। धन्यवाद सर आपका जानकारी के लिए। प्रसाद लिया और अभी मैं निकल रहा हूँ वापस। यहाँ से वापस जाने के लिए मुझे ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मुशक्कत जो है वो आते टाइम ही थी, अभी जाते टाइम इतना नहीं उतरा ही है, तो मैं भी 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा वापस, 1.5 घंटा। मेरी बिल्कुल तीखी ढलान है, यहाँ से नीचे उतरना है मुझे, ये देखो भाई साहब, और इस तरफ से अगर पाँव फिसला तो नीचे जाएंगे सीधा, ओगी में पहुँच जाएंगे जाकर। सो ये है रास्ता, धीरे धीरे चलो। पुजारी जी बोल रहे थे कि यहाँ पे जानवर फिर भी पाए जाते हैं, खासकर भालू जो होते हैं, भूरे भालू, काले भालू, जो भूरे भालू हैं वो इतना आक्रामक नहीं है बता रहे थे, और काला भालू अगर मिल जाए तो, अगर सामने रास्ते में आ जाए तो फिर वो नुकसान पहुँचाता है बहुत ज़्यादा, इंसान को अटैक कर देता है। आशा यही करता हूँ कि भूरे या काले भालू किसी से मेरा पाला ना पड़े, मेरे पास ना कोई औजार है ना कुछ है, अगर कहीं मिल जाता है, बिकॉज अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा बैलीज के बीच में है, बैलीज के चारों जंगल, आई होप नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उतरता हूँ मैं, थोड़ा सा बेल्ट पीछे की तरफ रखा है मैंने ताकि आगे की तरफ ना गिरूँ, पाँव फिसलता भी है तो। टाइम ऐसा आया चढ़ाई जो लास्ट का मंदिर सामने दिख रहा था, बट मन कर रहा था वापस चला जाऊँ, फिर भी कोशिश की और मंदिर जाके आगे दर्शन करके आ गया।
गाइज मैं आ चुका हूँ नीचे अभी। आप देख सकते हैं कि गांव दिखने लगा है। कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनी महेश परिक्रमा का रास्ता। तो ये रास्ता जो है आगे जो मनी महेश परिक्रमा के लिए जाता है। यहाँ से मुझे जाना है सच पास। सो कल मैं सच पास एक्सप्लोर करूँगा और सो यहाँ से निकलूँगा। देखता हूँ मैं रात को कहाँ रुकता हूँ। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था जो कुप्ती विलेज हैं, यहाँ पे हर घर में एक या दो बंदे एम्प्लॉई हैं जो कि जॉब करते हैं, प्लस यहाँ इनकी अपनी खेती भी हैं। और बता रहे थे कि पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ भी हैं, उनका भी ज्ञान रखते हैं लोग। जो यात्राएँ चलती हैं तो उनके भी उस टाइम पे भी उनके जो रूम्स इन्होंने बना रखे हैं वो बुक होते हैं। जो गुजारा इनका वो सही से चलता है। ये मैं सोच रहा था कि ये लोग खेती पे ज़्यादा निर्भर हैं, बट ऐसा नहीं है। खेती के साथ साथ जो और बाकी जो मैंने बताया आपको काम भी करते हैं। चलो चलते हैं, बाय बाय बोलते हैं। सब लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत चढ़ाई है। बट पीने का पानी कहाँ मिलता है इधर? ये पीने वाला है ना? ये पानी सप्लाई का होता है कि पहाड़ों से आता है? ये पहाड़ों से आता है। अच्छा, लाइट है इधर? हाँ लाइट है। अच्छा, तो लाइट हमेशा रहती है? बर्फ के टाइम होती है देखते थोड़ी। अच्छा, बर्फ के टाइम पे बंद हो जाती। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। भरमौर के आगे भी रास्ता खराब ही है चंबा के लिए। नेटवर्क इधर एयरटेल का आता है? ठीक है भाई, ओके भाई। मैं निकला हूँ भरमौर से। मैंने मैप तो लगा रखा है सच पास का, 181 किलोमीटर दिखा रहा है, बट इतना तो नहीं मुझे पता हो पाएगा। तो रात को जहाँ भी पहुँचूँगा मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँ, ताकि कल सुबह मैं जल्दी से सच पास पहुँच जाऊँ जाके। ये है अभी तक का प्लान गाइस। ये भाई कौन सा डैम है? कोई तो नदी है। और हम कर रहे हैं इस पुल को क्रॉस। यहाँ से टूटा हुआ है ये, देख लो भाई, इधर स्टोर हो रहा है पानी। नाम तो नहीं पता भाई, एक किस्म का खतरनाक ही रोड है। बिकॉज अगर आपने अपने व्हीकल का कंट्रोल खोया और उधर डुबकी लग जाएगी डैम में। ये देख लो भाई, स्टोर है इधर पानी, कहीं तो नीचे डैम बना हुआ है इस नदी पे। चलो दिन में दिख ही जाएगा अगर होगा तो। आगे टनल में, रात को इस टनल से गया था ना। ये है टनल, चंबा और भरमौर को जोड़ने वाली टनल है। चलो निकल के भाई टनल से बाहर। साहब गुस्सा हो गए हैं। हाँ जी भाई जी। सो गाइस ट्रक फंस गया था, चलो चलते हैं। चलो राजधानी एक्सप्रेस न्यू प्रेम पालनपुर से आई है मेरे शहर से, चंबा जोत। भाई कुछ नहीं दिख रहा है, गाड़ी ने धुआं उड़ा दिया पूरा भाई। चलो हम आगे निकल गए, अभी हमें दिखेगा, हम धुआं उड़ाएंगे। तो गाइस ये कोई डैम है, नाम तो नहीं पता, पर ये देखो भैया कौन सा डैम है? ये बगड़ डैम है। बगड़ डैम है, ओके। कौन सी नदी पे बना? रावी नदी पे। ओके, चमेरा डैम कहाँ है? ये चमेरा 2 है ना? अच्छा, चमेरा 3 पीछे है, चमेरा 1 आगे। ओके, तो ये बग्गा कोई डैम है, रावी नदी पे बना है, मेरा 2 है शायद। सो गाइस टाइम हो चुका है 6:54। यहाँ से जो है सच पास का जो मैंने मैप लगा रखा है वो है 84 किलोमीटर, बट वो तो पता ही है कि शाम अभी रात को तो जा नहीं सकते। सो देखता हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद तीसा है, तीसा में मैं रूम ले लूँगा, उसके आगे जाने की सोचूंगा। पहले तीसा पहुँचता हूँ मैं, एक घंटा पौना घंटा लग ही जाएगा इधर से। थैंक यू। ये तो 9:35 का सच पास का टाइम बता रहा है, पर सच पास नहीं जाके मैं 30-40 किलोमीटर पीछे रुकूँ तो 9 बजे तक शायद पहुँच जाऊँगा। क्या पता मैं 8:30 तक अगर मैं पहुँच जाऊँ भैरागढ़, कोई जगह है वहाँ तक अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा तो टाइम से फिर मैं वापस आ सकता हूँ। ये देखो
गडरी है अपनी भेड़ों के साथ में रात को। तो गाइस अभी मैं तीसा पहुंचने वाला हूं और सोच रहा हूं कि मैं यहीं रुक जाता हूं बिकॉज अभी 8 बजने वाले हैं। यहां से अभी भी 60 किलोमीटर है साच पास। देखते हैं क्या करना है। ये देखो गाइस सचपार 64 किलोमीटर, बैरागढ़ 28 किलोमीटर बता रहा है इधर से। और ये शिकारी मोड है। शिकारी मोड नाम क्यों रखा है इसका, शिकार करता है क्या? 32 किलोमीटर यहाँ से, मैं लाइट ऑन करके बताता हूँ। सचपार है 62 किलोमीटर, किला 98, केलांग 141, ले 599। इनक्रेडिबल इंडिया। रहने का जुगाड़ इधर का ही हो गया अभी कि मैं सही है यहीं रुक जाता हूँ। सो गाइस रूम ले लिया मैंने इधर तीसा में, अपना लगेज भी ऊपर लेके आ गया। अभी 8:15 हो गए हैं टाइम रात के। भरमौर यहाँ से 131 किलोमीटर है। मैं भरमौर से चला था 3:45 के आसपास। जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद खाना खुना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। सो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं करूँगा डाटा ट्रांसफ़र। अपने गैजेट लगा दिए मैंने चार्जिंग पे। कल का प्लान ये है कि सुबह 6 बजे निकलूँगा मैं साच पास के लिए। अगर मौसम सही रहा तो मैं टॉप तक जाऊँगा, यही प्लान है कल का। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप सभी से मिलता हूँ मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।